शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये बनाने जा रहे हैं मफलर विद हुड, और फ्रेंड्स ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये बनाने में बहुत इजी, देखने में सुंदर और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट के 3 पार्ट्स हैं, और फ्रेंड्स अगर आप ये पार्ट्स देखना चाहती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो है और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वूल, और इसके लिए 10 नंबर निटिंग नीडल यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, आप किसी तरह की वूल या वूल से बना कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस नंबर पर जा कर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बना रही हूँ हुड, और ये हुड के लिए ये जो मैंने पैटर्न डाला है ये मैंने इतना बना रखा है, ये मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने स्टिचेस लिए हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से फंदों पे डाल करके ये पैटर्न दिखाती हूँ, और चलिए पहले इसका पैटर्न बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पैटर्न मल्टीपल ऑफ 10 स्टिचेस पर चलता है और ये 6 रोज़ का पैटर्न है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने 30 स्टिचेस डाले हैं तो ये हमारे इतने 3 पैटर्न्स बनेंगे। तो फर्स्ट रो, ये 2 रोज मैंने बना ली है बॉर्डर की, उल्टी उल्टी रोज, और अब हमारी है फर्स्ट रो राइट साइड से, पर्ल 2, निट 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है पर्ल 2। अब देखिए, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, निट 6, पर्ल 2। ये हमारा 10 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न है। अब अगेन पर्ल 2, जब हम इस तरह से उल्टे बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे 4 स्टिचेस उल्टे हो जाते हैं। निट 6, 3, 4, 5, 6, पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर। और नेक्स्ट, अगेन पर्ल 2, निट 6, पर्ल 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे, लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, ये हम उल्टे बनाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से। अब हमारी है सेकंड रो रॉन्ग साइड से, तो ये हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल दी स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए, ये सारे स्टिचेस उल्टे बनाए हैं। अब हमारी है रो 3rd, ये राइट साइड से, और ये हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, जैसे फंदे पहले बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, और 6 फंदे सीधे, पर्ल 2, निट 6, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए इस तरह से, अब ये 2 फंदे आगे उल्टे, रिपीट पैटर्न ओवर हो जाएगा हमारा। अब ये 10 स्टिचेस हो गए। अब अगेन पर्ल 2, निट 6, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, ये सीधे के ऊपर सीधे बनाने हैं हमने, और अगेन पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर। और नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, तो इसी तरह हम ये वाले फंदे बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई। अब हमारी है 4th रो रॉन्ग साइड से, तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, 2 फंदे इधर उल्टे हैं, 1 फंदा ये सीधे वाला जो है ये हमने उल्टा बनाना है। इसके बाद यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1, यार्न ओवर,
पहलवान, ये हम 5 times करेंगे, जितने हमारे उधर से सीधे स्टिचेस हैं, देखिए यहाँ तक जितने हमारे ये सीधे स्टिचेस हैं उनके साथ, और ये लास्ट हमारा उधर से सीधा स्टिच है, और ये 5 times हो गया, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर, ये हमारा 10 stitches का रिपीट पैटर्न था, और अब पर्ल 3 अगेन यार्न ओवर पर्ल 1, यार्न ओवर पर्ल 1, यार्न ओवर पर्ल 1, ये हम 5 times करेंगे। देखिए कितनी बार हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से ये हमारा लास्ट जो इधर से सीधा स्टिच था। अब पर्ल 2, रिपीट पैटर्न ओवर, नाउ पर्ल 3, और उसके बाद यार्न ओवर पर्ल 1, यार्न ओवर पर्ल 1, यार्न ओवर पर्ल 1, इस तरह से हमने थ्रेड को लपेटना है ऐसे, और ये पर्ल 1। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 stitches उल्टे आ जाएंगे, और अब हमारी है फिफ्थ रो राइट साइड से, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो ये रो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को इधर करेंगे बैक साइड पे, इस फंदे को स्लिप करेंगे इस तरह से, ये हमारा यार्न ओवर, इसको हम सीधा बनाएंगे, स्लिप 1, निट 1। अब इस स्टिच को हम इस नीडल पे ले जाएंगे, इसको इस तरह से करेंगे, अब इस फंदे को यहाँ से पास ओवर करेंगे, अब अगेन इसको इस नीडल पे ले जाएंगे और इसको बनाएंगे। जब सेकंड बनाएंगे तो मैं आपको एक और तरीका बता दूँगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो ही यूज़ कर सकते हो। सीधा स्टिच बनाया, निट 1, अगेन इसको इस तरह से किया, इसको इस नीडल पे लिया, इसको इस नीडल पे, और ये नेक्स्ट स्टिच, ये जो स्टिच है इसको करना है हमने पास ओवर, अगेन इसको स्लिप करेंगे, निट करेंगे, अगेन इसको इस नीडल पे लाएंगे, और इसको इस तरह से अगेन इसको स्लिप करेंगे, और इसको इस तरह स्लिप करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। अब इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, अगेन इसको ऐसे लाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, और इसको फिर इधर ले आएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब लास्ट है ये हमारा, और इससे हम सीधा बना लेंगे, देखिए, और ये हमारे पास जो स्टिचेस हैं ये 6 होने चाहिए, ये 2 तो हमने उल्टे डाले थे, 2, 4, ये 6, क्योंकि हमारे पास सीधे भी 6 थे तो ये अब 6 ही रहने चाहिए। अब पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, अब रिपीट पैटर्न ओवर, अब अगेन रिपीट पैटर्न स्टार्ट, 2 फंदे उल्टे पर्ल 2, क्योंकि ये 4 stitches तो हमारे उल्टे ही चलते जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगेन अब मैं एक और मेथड बताती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कीजिए, स्लिप 1, पर्ल 1, निट 1, सॉरी, और ये तो हम उस ऐसे ही बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे, पास ओवर कर देंगे। अब हमने ये बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से नीडल यहाँ से लेके जाइए इस तरह से, और इस स्टिच को ऐसे लाइए और ऐसे सीधा बना लीजिए, और फिर इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, इसको वापस इस पर ले लीजिए, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन कीजिए। अब अगेन यहाँ से नीडल लाइए, और ये जो यार्न ओवर वाले हैं उनको हमने निट करना है, इस तरह से यहाँ से लाइए और इसको निकालिए इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कीजिए, अगेन यहाँ से लाइए, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, इस तरह से और ऐसे लाइए,
अगेन इसको इधर लाइए, वैसे भी कर सकते हो, और इसको आप इस तरह से छोड़ भी सकते हो, यहाँ से ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से फिर निकलने का थोड़ा डर रहता है। आप इसे यहाँ से बनाइए और इसको वापस इधर लाइए और ऐसे। अब ये लास्ट स्टिच जब रह जाता है तो इसे हमने सीधा बनाना। देखिए ये सारे हमारे सीधे स्टिचे पूरे हो गए और ये हमारे 6 स्टिचेस होने चाहिए। अगेन नीट पर्ल 2 और अब रिपीट पैटर्न ओवर। नाउ नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 2 और देखिए फिर पैटर्न है हमारा स्लिप 1 नीट 1। इस तरह से अब इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप डाउन कीजिए, अब ऐसे लाइए इस तरह से और ऐसे कीजिए, ऐसे लाइए इस तरह से और ऐसे, और फिर इसको ऐसे कीजिए, फिर ये वाला इस तरह से लीजिए फंदा और इसे बनाइए और वापस इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन कीजिए, इसको लाइए इस तरह से। अब ये लास्ट स्टिच है तब हमने इसको निट करना है। तो अब ये हमारे पास 6 स्टिचेस हो गए, लास्ट हमारे पर्ल 2। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से और ये रो हमने उल्टे स्टिचेस की बनानी है, पर्ल ऑल, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पैटर्न इस तरह से बना है और ये 1 to 6 रोज हमने रिपीट करते जाना है। तो हमने अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ है वो हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 120 स्टिचेस और देखिए ये बॉर्डर मैंने 1, 2, 3, 4 स्ट्राइप्स डाली है, मीन्स 8 रोज़ का बॉर्डर बनाया है। और ये पैटर्न देखिए कितने बने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और 12 पैटर्न, क्योंकि एक पैटर्न 10 स्टिचेस पर चलता है तो ये 120 स्टिचेस में 12 पैटर्न बने हैं। और ये टोटल यहाँ पे मैंने पैटर्न कितने डाले हैं वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक पैटर्न जो कंप्लीट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पैटर्न डाले हैं। और ये वूल के हिसाब से है, हाथ के हिसाब से ये लेंथ डिफर भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। देखिए ये लेंथ जो है मैंने 7 इंचेस की है। अब हम इसके बाद इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो चिल्ड्रंस पार्ट 1 वीडियो में इतना ही, और अब इसकी जो डिक्रीजिंग है वो करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। ओके बाय।